दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की बजाज पल्सर 150 BS6 बाइक है और इंजन हीटिंग की समस्या बन रही है, या फिर कोई भी बाइक है आपकी BS6 हो, इंजन हीट होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंजन आखिर इतना ज़्यादा हीट क्यों होता है, क्या कमी है आखिर बाइक में, वो आपको बताएंगे। इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इंजन हीटिंग को लेकर, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सर्विस रिमाइंडर है, जो सर्विस रेंज है, इसे कैसे ख़त्म करना है। जब भी हमारी गाड़ी सर्विस के मुताबिक चल जाती है तो ये यहाँ पे जो रेंज है ये शो करने लगता है और इस रेंज को हमें रिमूव करना होता है अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि हम इंजन ऑयल रिप्लेस कर देंगे तो फिर ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी, ऐसा नहीं, इसे हमें रिमूव करना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा इंजन हीटिंग इतना ज़्यादा क्यों होता है और ये सर्विस रिमाइंडर को रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ तक दोस्तों मैं आपको बता दूँ, BS6 बाइक जितनी भी आती हैं, इसका जो RPM होता है वो ज़्यादा रहता है। पहले जो BS3 BS4 बाइक आता था कार्बोरेटर वाली, तो उसमें 1000 से लेकर 1200 के RPM में रहती थी वो बाइक। और अब जो BS6 FI आने लगी है, जिसमें कि देखा जाए आपको कि FI थ्रोटल बॉडी जो लगा हुआ है, जिसमें भी ये थ्रोटल बॉडी लगा हुआ होता है FI बाइक, तो FI हो या ना हो, या फिर जैसे कि BS6 बाइक हो, तो इसका RPM जो है कुछ ज़्यादा ही रहता है, जैसे कि 2200 इतना RPM रहता है इसका। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पर सोचना होगा कि RPM ज़्यादा होने की वजह से इंजन हीट होता है, जल्दी ही गर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद भी अगर इंजन हीटिंग की समस्या बन रही है तो ऐसे 2-3 चीज़ें आपको चेक करना होगा, जैसे कि इसका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर। इस बाइक का जो इंजन ऑयल है, जितना मैं देख रहा हूँ, जितना चला हुआ है और जिस कंडीशन में है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी जो बाइक का इंजन है हीटिंग ज़रूर करती होगी। और इसका भी कहना है कि इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इंजन ऑयल 3000 पार कर जाता है, 4000-5000 आप अगर चला देंगे, तो इंजन ऑयल जो है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, अंदर का जो पार्ट्स है वो खिंचता है, थोड़े बहुत मैल बनता है। तो ये जिस समय हम नया डालते हैं पतला रहता है हल्का, और उसके बाद जब पुराना हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चल जाती है बाइक, तो ये जो है मतलब गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने की वजह से सही तरीके से इंजन का जो पार्ट्स है वो ल्यूब्रिकेट से नहीं हो पाता है, और हमारी गाड़ी जो है थोड़ा सा दब के चलने लगती है, और ये गाढ़ा होने की वजह से लट्टापन ज़्यादा बन जाता है इसके अंदर, पार्ट्स जो है फिर काम नहीं करता है। तो इस वजह से गाड़ी की जो इंजन है वो गर्म होने लगती है। अब इसी के साथ अगर आपके बाइक का एयर फिल्टर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, वो काफ़ी तरह से सफाई नहीं हुआ या फिर ख़राब हो चुका है, वो उसे रिप्लेस नहीं किया है, तो उसके वजह से सही जो है एयर नहीं पहुंचेगी इंजन तक, और इंजन के अंदर कम एयर पहुंचने की वजह से इंजन दब के चलेगी और इंजन ज़्यादा हीटिंग होगी। तो इस बाइक में जो अभी समस्या बन रही है इंजन हीटिंग की, ये इंजन ऑयल की वजह से गाड़ी जो है वो हीट हो रहा है। अब इसी के साथ आपकी बाइक जो है काफ़ी पुराना है या फिर न्यू रहते हुए भी, गाड़ी की जो क्लच प्लेट है, इस साइड का क्लच प्लेट अगर डाउन कर गया है, इस साइड में क्लच प्लेट होता है, अगर ये डाउन कर गया है, सीज हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो इसके वजह से गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम रहता है और हम रेस ज़्यादा देते हैं। इंजन जब रेस ज़्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है इंजन जो है लोड पड़ेगा और ये गर्म हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आगे आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक जाम चल रहा है, ये डिस्क ब्रेक जो है ये अगर फ्री नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है इंजन पे लोड पड़ेगी और इंजन गर्म होगी। इसी तरीके अगर आपके बाइक में पीछे की डिस्क ब्रेक अगर जाम चलेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों इंजन गर्म होगी। लेकिन किसी भी तरीके से इंजन में अगर लोड पड़ेगा तो इंजन जाहिर सी बात है वो गर्म होगा ही। अगर बाइक का चैन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है तो इसके वजह से भी इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन गर्म होती है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान देना है, पीछे का चैन ज़्यादा टाइट होगा तो इस तरीके से चक्का फ्री नहीं होगी, कहीं जाके ये अटक जाएगा, गड़गड़ाहट जैसे आवाज़ आएगी, ये भी आपको देख लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके बाइक का क्लच प्लेट कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, सही पिकअप नहीं मिल रही, सही ताकत नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है इंजन ज़्यादा हीट करेगी, क्योंकि क्लच प्लेट अगर कमज़ोर होता है तो इंजन का जो लोड है वो ज़्यादा पड़ने लगता है, इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है, हम एक्सेलेटर ज़्यादा डालते हैं और इसकी वजह से जो है इंजन ज़्यादा हीट होने लगती है। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें देखना है, बाकी ये ज़रूरी नहीं कि शॉकर की वजह से, हैंडल की वजह से,
बाकी इन सब चीज़ों की वजह से इंजन हीटिंग नहीं होती है। किसी भी चीज़ों से अगर दबाव पड़ता है इंजन के अंदर तो इसके वजह से जो है इंजन ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, अगर आपके बाइक में ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, क्लच साइड में यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑयल फिल्टर अगर काफ़ी दिनों से आपने चेंज नहीं किया है तो ऑयल जो है अच्छी तरीके से यहाँ हेड तक नहीं पहुँच पाता है और इंजन भी उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, हीट होता है। बाकी दोस्तों आप गर्मी का मौसम आया, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, हमारा शरीर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस समय अगर आपके बाइक का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मौसम की वजह से भी काफ़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंजन गर्म होती है। तो मैंने इस बाइक का इंजन ऑयल यहाँ से निकाल दिया है, 14 नंबर बोल्ट आपको खोल कर इंजन ऑयल निकाल देना है सारा, और इस बाइक को लेफ्ट राइट ठोकाना है जो सारे ऑयल अच्छे तरीके से गिर सके। ठीक है, इस तरीके से अगर झुकाएंगे तो इंजन ऑयल जो है जितना भी इंजन इसके अंदर पड़ा होगा पुराना वो निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये सर्विस रिमाइंडर रेंच रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये जो मीटर में जो ऑर्डो लिखा हुआ है ये ऑन है कि नहीं है। जैसे कि ये बटन दबा रहे हैं तो ये ट्रिप वन लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ट्रिप वन, फिर दबाएंगे तो ये ट्रिप टू आएगा, और फिर हम एक बार दबाएंगे ये ऑडो लिखा हुआ आएगा। तो ऑडो पे आपको क्लिक करके रख लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्विच को ऑफ़ करेंगे। पकड़ एंड रख, स्विच ऑफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे इस बटन को हम दबाएंगे और इसे दबाए रखेंगे कम से कम आप 5-7 सेकंड तक इसको दबाए रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसे ऑन करना है। अब स्विच को ऑन करता हूँ, ये बटन आपको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं जब तक कि ये जो रेंच से बिलिंग करना ना लगे तब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिलिंग करने लगा है अब आपको छोड़ देना है और फिर से इस बटन को दबाना है। देखिए तो दोबारा आपको दबाना पड़ेगा, दबा के ही रखना पड़ेगा। इस तरीके से इसका जो सर्विस रेंच है वो ख़त्म हो चुका है। फिर से हम स्विच को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से गाइस इसका जो सर्विस रेंच है वो रिमूव हो चुका है। तो हमने इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताया, एक तो सर्विस रिमाइंडर रिमूव करना और इसके साथ ही इंजन अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो इसके लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये वीडियो थी न्यू बाइक के लिए, जो BS6 है बाइक है या फिर जो FI वाली बाइक है, तो इस तरह की बाइकों के लिए ये वीडियो था। अगर आप अपनी बाइक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी कौन सी बाइक है, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप मेरे ज़रिए से वीडियो बनवा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल मैंने हैं जिनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।